होली आने वाली है तो आज हम मार्केट में जो गुजिया मिलती है उससे भी ज़्यादा खस्ता, करारी, टेस्टी सूजी मावा की गुजिया घर पर ही बनाएंगे। इस तरीके से आप घर में गुजिया बनाएंगे तो पहली बार में ही आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, फटेगी नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से मार्केट से भी ज़्यादा खस्ता, करारी, टेस्टी सूजी मावा गुजिया। गुजिया बनाने के लिए 250 ग्राम लेंगे मैदा। जिन लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है वो लोग इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें नमक नहीं डाल रही। अब इसमें डालेंगे 60 ग्राम देसी घी। घी को यदि चम्मच से नापेंगे तो ये 8 से 10 चम्मच है। आप देसी घी की जगह वनस्पति घी या फिर रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। इसमें घी को अच्छे से मिलाना है। इसमें घी इतना ही डालना है, एक या दो चम्मच घी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, घी कम नहीं होना चाहिए। यदि इसमें मोयन कम डालेंगे तो गुजिया खस्ता और करारी नहीं बनेगी। और यदि आपको ग्राम या चम्मच से घी डालने का कोई आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से मैदा को बाइंड करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से बाइंड हो रही है, तो इसका मतलब है इसमें बिल्कुल परफेक्ट मोयन है, घी मैदा में अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। इसमें बहुत कम पानी लगेगा क्योंकि हमने मैदा में घी अच्छे से डाला है। यदि एक बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो मैदा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको गूंदना है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको ये गुजिया की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैदा अच्छे से गूंद गई। इसको गूंदने में सिर्फ आधा कटोरी ही पानी लगा है। अब इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और अब 50 ग्राम लेंगे सूजी, इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। आप चाहें तो इसमें एक या दो चम्मच देसी घी डालकर भी भून सकते हैं, लेकिन हम इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे, घी नहीं डालेंगे। इसको लगातार चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। 3-4 मिनट में ही सूजी अच्छे से भुन गई। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। अब पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को पैन में फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इनको भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं और कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1-1.5 मिनट में ये काजू बादाम भी भून गए। अब इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको छोटा छोटा काट लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी सूखा नारियल। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। इसको भी थोड़ा भून लेंगे। जब नारियल को थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। नारियल भी थोड़ा भुन गया। अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश। इसको भी चम्मच से चला देंगे। पैन अभी थोड़ा गर्म है तो ये हल्की सी भुन जाएगी। वैसे किशमिश को भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम गुजिया को फ्राई करेंगे तो ये अपने आप ही पक जाएगी। अब इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में डालेंगे 250 ग्राम मावा यानी कि खोया। इसको भी थोड़ा पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। गैस को यदि हाई फ्लेम पर रखेंगे तो ये जो मावा है पैन में लग सकता है। मावा को 3 मिनट हमने पका लिया। अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे ये सूजी और साथ में ही डाल देंगे ये नारियल और किशमिश और डाल लेंगे ये बादाम और काजू। मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। मैं ये जो गुजिया बना रही हूँ 250 ग्राम मैदा की बना रही हूँ और ये जो स्टफिंग सूजी मावा की मैं बना रही हूँ इससे 300 से 325 ग्राम मैदा की गुजिया बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम चीनी पाउडर। आप इसमें देसी खांड या मिश्री या फिर बूरा भी डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। इसमें मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ज़्यादा गर्म मावा में चीनी नहीं डालनी है। यदि ज़्यादा गर्म मावा में चीनी डाल देंगे तो ये जो स्टफिंग है बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी, इसलिए जब मावा हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसमें चीनी पाउडर डालना है।
ये चीनी पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैदा को देख लेते हैं जो हमने गूंद कर रखी थी, इसको दोबारा से थोड़ा गूंद लेंगे। ये मैदा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट, बिल्कुल परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। हमने सारी लोइयां तोड़ ली, अब इन लोइयों की पेड़ियां बना लेंगे। जैसे पूरी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पेड़ियां भी हमने सारी बना ली। अब एक पेड़ी लेंगे, इसको हाथ से दबा देंगे और बेलन से बेल लेंगे। जैसे पूरी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलेंगे। यदि ये पूरी गोल गोल नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, इसकी शेप की चिंता मत करना। आप इसकी बड़ी सी पूरी बना लेना। इसको ना तो ज़्यादा पतली करनी है और ना ही ज़्यादा मोटी, बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब गुजिया बनाने वाला मोड़ लेंगे, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब इस पूरी को इसमें रख देंगे और इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे। यदि इसके ऊपर पानी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से बंद नहीं हो पाएगी, यानी कि चिपक नहीं पाएगी। अब इसमें ये स्टफिंग भर देंगे जो हमने सूजी और मावा की बनाई है। ज़्यादा नहीं भरेंगे, जितनी इसमें आराम से आ जाए उतनी भरेंगे। यदि ये स्टफिंग ज़्यादा भर देंगे तो जब गुजिया को तलेंगे तो ये फट सकती है। अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे आराम से और मोल्ड को थोड़ा दबा देंगे चारों तरफ से। जब इस पूरी को बेलेंगे तो इसको अच्छे से बड़ा बेलना है। यदि छोटी पूरी बेलेंगे तो जब गुजिया के मोल्ड में इसको रख कर गुजिया बनाएंगे तो ये बन नहीं पाएगी, और इसके चारों तरफ पानी नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से चिपकेगी भी नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है इसको हटा देंगे। अब इसको खोल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बन गई। इस तरीके से गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया कभी भी तलते टाइम फटेगी नहीं। ऐसे ही हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये देखिए हमने सारी गुजिया बना ली। बहुत ही आसान है इस तरह से गुजिया बनाना। कढ़ाई में तेल हमने पहले से ही गरम कर लिया। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, लेकिन इतना भी गरम नहीं होना चाहिए कि जब हम गुजिया को तेल में डालें तो डालते ही जल जाए। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। अब इसमें छोटा सा पीस मैदा का डाल कर देख लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें ये गुजिया डाल देंगे। एक बार में जितनी गुजिया कढ़ाई में आ जाए डाल सकते हैं। अभी इनको पलटेंगे नहीं, जब ये थोड़ी सिक जाएगी उसके बाद ही इनको पलटेंगे। एक 1.5 मिनट हो गया इनको सिकते हुए, अब इनको पलट देंगे। और यदि कोई गुजिया तलते टाइम फट जाती है तो उसको निकाल देना है, नहीं तो पूरा तेल खराब हो सकता है। एक बात का भी ध्यान जरूर रखना है, जब हम गुजिया को तेल में डाल देंगे तो उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर ही इनको फ्राई करेंगे। यदि गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे तो गुजिया ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है। इनको उलट पुलट करते हुए 10-11 मिनट हो गए पकाते हुए, ये अच्छे से फ्राई हो गई। इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इनको निकाल लेंगे। और ऐसे ही बची हुई सारी गुजिया को फ्राई कर लेंगे। अब हमारी सूजी मावा की गुजिया तैयार है। ये बहुत ही खस्ता करारी टेस्टी बनी है। आपको ये गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।